नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बाघोरिया। कैसे हो दोस्तों आप सभी। सो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ एक स्पेशल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आरकेआर की फर्स्ट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, उनकी पहली वीडियो कैसी थी, क्या था, वो लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों, पहले उसकी क्लिप्स देख लीजिए, उसके बाद एंड में डिस्कस करते हैं कि क्या था, कैसा था और उस टाइम आरकेआर कैसे थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरकेआर स्ट्रीम में। आपका भाई आरकेआर हाजिर है नई वीडियो के साथ। मेरे कैमरे पे राजवीर भाई, हम पहुंच चुके हैं हॉन्टेड लोकेशन पे और आप देख सकते हो यहाँ से कच्चा रास्ता जा रहा है 1.5 किलोमीटर पे। बाइक हमारी जा नहीं सकती, हमने खड़ी कर दी है रोड पर, तो हम यहाँ से जाएंगे पैदल क्योंकि रात को पंचर वंचर होने का डर है। किसी भाई ने कमेंटमेंट किया था मेरे कमेंट के अंदर, पहली वीडियो के अंदर, कि भाई आप हॉन्टेड लोकेशन पे जाओ और हिम्मत है आप में तो वीडियो बनाओ। तो मैं उसी बेस पे आया हूँ और आज उसी हॉन्टेड लोकेशन पे चलेंगे और वहीं की वीडियो बनाएंगे और उसकी जानकारी मैं हॉन्टेड लोकेशन पे चल के ही दूंगा आपको। और सामने ये आपको दिख रही होगी कांटों की बाढ़ है, तो इसको टाप के जाना पड़ेगा। तो राजवीर भाई थोड़ा ध्यान से आना, कांटे वाटे बहुत ज़्यादा रखे हैं और ये कोई पुराना खंबा भी गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, तो ध्यान से आना थोड़ा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हॉन्टेड लोकेशन पे और मैं इसकी लोकेशन बता देता हूं आपको। ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पास में किशनगढ़ है, उससे 7-8 किलोमीटर दूर पे ये लोकेशन है। तो दोस्तों, जिस बंदे ने मेरे को कमेंट में चैलेंज किया था, उससे मैंने बात करी, उससे मैं मिला, तो उसने मेरे को यहाँ की हॉन्टेड लोकेशन की हिस्ट्री कुछ ऐसे बताई है। करीबन ये 20 से 25 साल पहले किसी किसान ने यहाँ ज़मीन खरीदी थी, कुआं खरीदा था और उसने रहने के लिए कमरा भी बनवाया था एक, पर वो 1 से 1.5 महीने यहाँ पर रहा भी था और उसने एक हादसे में अपना बच्चा खो दिया या उसके साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई थी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तो यहाँ आने से गांव वाले भी डरते थे, यहाँ पहले औरतें पानी भी लेने के लिए आती थी, हालांकि मैं जिससे मिला था उसने बताया भी था मेरे को। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। दोस्तों ये कमरा है और यहाँ बना हुआ है, टूट गया सारा। मैं आपको एक बार इसका मेन गेट दिखा देता हूँ कि मेन गेट कहाँ पर है। तो चलते हैं मेन गेट की तरफ। यहाँ हो रखी है झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा, ध्यान से आना थोड़ा। यहाँ ये बिल्कुल टूट चुका है कमरा और दोस्तों यहाँ पे मेरे को बताया गया था कि एक कमरा पर यहाँ पे 2 कमरे हैं, एक के अंदर तो झाड़ियाँ उग चुकी है वो देख सकते हो आप, और पूरी तरह से टूट चुका है। और ये एक कमरा जो सेफ है बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से कि कमरे में क्या है। ये कमरा पूरा खाली पड़ा है, एक बार अंदर आए हो ये देख सकते हो, छोटा कमरा है बिल्कुल। और यहाँ पे भी पुराने ये दीवारें देख सकते हो आप, इधर पूरा जंगली एरिया आ गया, इधर जंगल है पीछे की तरफ और दीवारों पे आश की बनी हुई है पूरी। तो दोस्तों ये एक और कमरा है, इसके अंदर तो झाड़ियाँ उग चुकी है और मैं इसके अंदर कोई रास्ता नहीं है अंदर जाने का। ये तो एक बार पीछे से चलते हैं, पीछे से बताता हूँ, कोई जंगला खिड़की नजर आती हो तो। ये आप देख सकते हो इसका दूसरे वाले रूम का मलबा, ये पूरा गिर चुका है, अंदर नहीं जा सकता, झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो रखी है यहाँ पे। तो यहीं से वापस लौट चलते हैं और मैं दूसरी तरफ और दिखाता हूँ आपको। इधर भी कुछ बना हुआ है, इधर चलते हैं क्या है, इधर कुआ है शायद और इधर एक छोटा सा रूम और बना रखा है इन्होंने। इधर आओ देखो, ये देखो ये सीढ़ी है जो कुएं के अंदर रास्ता जाता है सीधा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। बिल्कुल कमरे के टाइप बना रखा है यहाँ पे और ये कुआं दिख रहा होगा आपको, यहाँ कुएं के अंदर रास्ता जा रहा है, ये देख सकते हो बिल्कुल। और देखते हैं क्या बना हुआ है उस तरफ। बहुत ज्यादा हो रखे हैं, ये चमगादड़ वगैरह भी बहुत ज्यादा है, बदबू आ रही है, एक बार उधर दिखा दो, शायद चमगादड़ नहीं कोई चिड़िया लग रही है, चिड़िया। ये देखो ये है, वो जो रियल लोकेशन है वो तो ये है अपनी, ये देखिए कुआं दिखा देता हूँ मैं आपको।
ये पानी भरा हुआ है कुएं के अंदर। बस दोस्तों यहाँ पे तो इतना ही है और तो कुछ है नहीं। तो दोस्तों यहीं पे बैठते हैं एक डेढ़ घंटा और यहीं पे देखते हैं कि हमारे को भी कोई एक्टिविटी पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखती है नहीं दिखती है। दोस्तों जिधर रूम बना हुआ है वहाँ से कुछ अजीब आवाज़ आ रही है तो चल के देखते हैं। कमोन राजवीर भाई इधर से कुछ आवाज़ है, ये भी कुछ ना कुछ आवाज़ है। यहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं है, पीछे पीछे की तरफ देखते हैं चल के। यहाँ पे तो मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। इधर आ जाओ एक बार, पूरा जंगली एरिया आ गया शायद, हो सकता है कुछ कोई जानवर हो। तो दोस्तों हमने यहाँ पे घूम के देख लिया, शायद कोई जानवर की आवाज़ हो, हमारे को तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है, शायद कुछ बिल्ली वगैरह हो। और एक बार चलते हैं वापस वहीं पे। दोस्तों यहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं है अभी तो, और वेट करते हैं फिर देखते हैं हमारे को भी कोई दिखता है नहीं दिखता है। दोस्तों हमारे को यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं, ना वापस कोई आवाज़ आई है ना कोई दिखा है, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो गाइस आपने देखी आर की ये फर्स्ट वीडियो की क्लिप, एक्चुअली ये फर्स्ट वीडियो नहीं थी यार, ये सेकंड या थर्ड वीडियो थी मेरे को लग रहा है। उनकी जो शुरुआत की वीडियो थी उन्होंने वो या तो प्राइवेट कर रखी है या हाइड कर रखी है, तो या फिर रिमूव कर दिया है, क्योंकि इस वीडियो में जिक्र था कि मैं फिर से लेके आया हूँ कुछ ऐसा था, तो इसलिए मेरे को लग रहा है ये फर्स्ट वीडियो नहीं थी, लेकिन शुरुआत की वीडियो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से कोई एक वीडियो है। तो बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों इंट्रो देखिए, दोस्तों इंट्रो कितना अच्छा बनाया है, बिल्कुल सिंपल सा, एक ओल्ड जो पहले कंप्यूटर आते थे मॉनिटर उसमें इनका इंट्रो दिख रहा है वो एनिमेशन में, एंड उसी के अंदर इनका पहले का लोगो देखिए, कंपैरिजन करें आज के मुकाबले तो पहले का लोगो आप देखिए और बताइए मुझे कैसा लगा आपको। चलते हैं आगे। तो दोस्तों आपने देखा आर की जो लुक है इसमें बिल्कुल सिंपल लुक है और बिल्कुल छोटे छोटे कूल हेयर स्टाइल, बिल्कुल छोटे छोटे बाल, बड़ी कूल हेयर स्टाइल लगी मेरे को इनकी, बहुत ही छोटे छोटे बाल हैं बारीकी से, और मूछे पहले भी रखते थे बट मूछे जैसे अभी के टाइम है बिल्कुल सेट की हुई उनकी मूछे होती हैं वैसे ही, मतलब वैसे ही रख रखी थी उन्होंने, नॉर्मली के मूछे हैं, बट अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं लुक पे, अपना काफ़ी ध्यान देते हैं। एंड देखिए वीडियो देखिएगा, मेरे को उस टाइम की वीडियो से भी ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था इनका, उस टाइम भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, आज तो है ही लेकिन उस टाइम भी बहुत अच्छा इनका कॉन्फिडेंस था। चलो वीडियो के बारे में बात करते हैं। अंदर इन्होंने यहाँ मतलब जिस लोकेशन पे गए कोई हॉन्टेड लोकेशन थी, यहाँ भी इन्होंने बहुत ब्रीफ में स्टोरी बताई कि क्या स्टोरी थी, कैसी थी स्टोरी, एंड फिर उसी को आगे कंटिन्यू करते गए। फिर इन्होंने जो लोकेशन हॉन्टेड लोकेशन जहाँ पे गए हुए थे उसके बारे में बताया इस पूरी वीडियो में। उस लोकेशन को मेरे को सबसे अच्छी इस वीडियो में जो ये वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, इसमें सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि बड़ी ही बारीकी से इन्होंने इस लोकेशन को एक्सप्लोर किया है। हालांकि इस वीडियो में दोस्तों कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी वगैरह दिखी नहीं, बट जिस लोकेशन पे गए थे वहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने उस लोकेशन को रिप्रेजेंट किया, एंड जो पूरा कह लीजिए कि बारीकी से जो एक्सप्लोर किया उस लोकेशन को, वो मेरे को बहुत ही अच्छा और बहुत काबिल तारीफ लगा। इनिशियल स्टेज पे जब कोई वीडियो बनाता है तो उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन होता है, बट इस वीडियो में मुझे कहीं नहीं लग रहा कि इनका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन है। और कैमरामैन की भी बात कर लूँ तो शायद उस टाइम ये मोबाइल से वीडियो बनाते थे, एंड कैमरामैन शायद कोई राजवीर भाई हैं वो थे कैमरामैन, सो उन्होंने भी कैमरा वर्क बहुत अच्छा कर रखा है मोबाइल से, बहुत अच्छा फैंटास्टिक लगा। लोकेशन बहुत ही स्केरी थी, मज़ा आ गया देख के, कोई हॉन्टेड एक्टिविटी नहीं लगी, बड़ी अच्छी लोकेशन लगी और जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया मस्त था। सो कह लीजिए कि कॉन्फिडेंस जैसा शुरू में था आज भी शायद वैसा ही है, और टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आई गई है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो कैसी लगी दोस्तों मुझे बताइए, आपको ये वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको बताइएगा मुझे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।